दोस्तों, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य सर्वविदित है। जिस रहस्य का पता लगाने के लिए एक बार एक बौद्ध योगी, जिनका नाम मिलारेपा था, वे बहुत हिम्मत से रास्ते की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए, क्योंकि उनके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि वे इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमय तथ्यों की तलाश कर सके। लेकिन बताते हैं कि उन बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहां जो कुछ भी चमत्कारिक दृश्य देखा, तो उसे देखकर उनका मुख शब्द रहित हो गया। वे कैलाश पर्वत का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर पाए, क्योंकि वहां की अलौकिकता शब्दों से परे थी। ये वो देव स्थान है जो दिव्य, भव्य और दुर्लभ रहस्यों से भरा हुआ है, इसलिए इसके वर्णन को शब्दों में बांधा जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहां देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान हैं। इसलिए वहां की अद्भुत विलक्षणता की व्याख्या कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम इसी कैलाश पर्वत के उन 10 रहस्यों की चर्चा करेंगे, जिनको जिस किसी ने भी जाना वो आश्चर्यचकित रह गया। नंबर 1, यहाँ भगवान शिव के बसने का रहस्य। कैलाश पर्वत से संबंधित ये बात हर किसी के मुंह से सुनी जाती है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। इस बात को जानने के लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों के पन्नों को पलट डाला। हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है, जिसमें कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा गाई गई है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना, इस बात के पीछे क्या रहस्य है। इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वे इस स्थान से पूरी सृष्टि को संचालित कर सके। नंबर 2, कैलाश पर्वत पर किसी के न चढ़ पाने का रहस्य। कहते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ मानव का पहुँचना कठिन है, इसीलिए कैलाश पर्वत वह परम देवत्व का स्थान है जहाँ किसी व्यक्ति का पहुँच पाना संभव नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियाँ स्वयं नहीं चाहती है कि कोई मानव इस पर्वत पर चढ़ सके। ये परम आश्चर्य ही है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत की रहस्यमय शक्तियों द्वारा रोके जाने के कारण कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता। अनेक लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इस पर्वत के रहस्यों को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया। उन्हें आभास हुआ कि इस पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। नंबर 3, कैलाश पर्वत की पवित्र ध्वनियों का रहस्य। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज भी सुनाई दी है। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फुट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का आभास होता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन हैं। कुछ व्यक्तियों ने इस पर्वत पर जब चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती में जम गए। ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर जब वहां के धर्मगुरुओं द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई, तो अचानक सैकड़ों संघ के स्वर उनके कानों में गूंजने लगे। जब उन संघ की ध्वनियों को सुनना असहनीय हो गया, तब वे धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस आ गए। नंबर 4, पृथ्वी का केंद्र बिंदु होने का रहस्य। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वो हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वो स्थान है जहाँ पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियाँ प्रवाहित होती है। यही वो स्थान है जहाँ से विश्व में बहने वाली तमाम नदियाँ, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज आदि प्रकट होती है और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती है। यहाँ पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षसताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं राक्षसताल झील का जल मानव के लिए विष तुल्य है। नंबर 5, कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें तो आप पाएंगे कि यह पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ पर रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दिव्य दर्शन कहीं अन्यत्र नहीं मिलते हैं। संत महात्माओं का कथन है कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी, इसीलिए इस स्थान पर आकर नए जीवन की अनुभूति होती है।
क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांसें यहाँ की दिव्य शक्तियों से संचालित होने लगती है। नंबर 6, कैलाश पर्वत पर ना पहुंच पाने का रहस्य। भौगोलिक जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण कैलाश पर्वत पर पहुंच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाले को दिशा भ्रम हो जाता है और वो इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय ये भूल जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं अथवा गलत रास्ते पे। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर कभी आगे तो कभी पीछे, तो कभी दाएं तो कभी बाएं खिसकता हुआ नजर आता है। इस तिलस्म को देखकर पर्वतारोही वहां तक पहुंचने का अपना साहस खो देते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्ति यहाँ के रहस्यों को रहस्य बनाए रखना चाहती है, इसीलिए कैलाश पर विजय प्राप्त करना आसमान से तारे तोड़ने के समान है। नंबर 7, कैलाश पर्वत के आसपास उम्र के तेजी से बढ़ने का रहस्य। एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार मन में ठाना कि मैं इस अजय कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहूंगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वो भी आधे रास्ते से ही लौट आया। लेकिन जब उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों के सामने साझा किया तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि मैंने जब अपनी चढ़ाई शुरू की थी तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं मेरे साथ होने लगी थी, जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था। उस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैं इस यात्रा पर निकला था तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष थी, इसीलिए मेरे सर के सारे बाल काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते जा रहे थे, मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी इस बात को महसूस किया कि अब मैं जवान से बूढ़ा हो चला था। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में यह परिवर्तन देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया और कैलाश पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के लिए प्रतिकूल मानते हैं, इसीलिए वे कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। नंबर 8, चीनी पर्वत लहाचाओ और होंगचो का रहस्य। कैलाश पर्वत दो अन्य चीनी पर्वत लहाचाओ और होंगचो के बीच स्थित है। ये दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के रहस्यमय वातावरण से प्रभावित है, क्योंकि इन दोनों पर्वतों से भी तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है और उन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो इन पर्वतों पर कोई अदृश्य शक्ति रहती हो। कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों अन्य चीनी पर्वत भी कैलाश पर्वत के आसपास रहने के कारण प्रभावित है। नंबर 9, मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। भारतीय ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि तिब्बत के धार्मिक गुरुओं का भी ऐसा मानना है कि यदि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और उसके पापों का नाश हो जाता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर का परिक्रमा पथ करीबन 40 किलोमीटर का है। नंबर 10, कैलाश धूप का रहस्य। इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। इस कैलाश धूप को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि यह कैलाश धूप नाम की वनस्पति एक तरह से संजीवनी है जिसको ग्रहण करने वाले चिरंजीवी बनते हैं।